देख गुल्ली शांत है, गुल्ली गुल्ली शांत है, गुल्ली शांत। गाइस तो स्वागत है आपका मेरे और एक नए ब्लॉग में। रुक जाओ तो चुप रहो, मैं आप लोगों को गाइस सीन सुनाती हूँ। मेरी जो पहले वाली क्लिप थी ना वो डिलीट हो गई, मैंने इसलिए बोला कि स्वागत है आपका नए ब्लॉग में, बाकी आगे का देखो आप। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो हम दोनों ने आज ऐसे वाल बनाए जो तुझी मेरे को भी दुकान भेज रहे हैं कुछ खाने के लिए, कुछ अच्छा खाने के लिए। ऐसा वैसा छोड़ दिया है जिसके मैंने आपको बोला। क्या करी हूँ कुछ है जैसे खाने को, अभी शाम का समय हो गया ना, कुछ लगता है मन कुछ खाने को। गैस तो मैं अभी दुकान आई थी ना, हम बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं हमको क्या खाना चाहिए। है ये करो ये सूप करेंगे हम दीदी के लिए। गाइस तो मैं ओरियो शेक बनाऊंगी, दीदी कॉर्न वाली सूप पिएगी, हम तो वही खाएंगे। कुछ और खाने के जैसे ना, बस बस मन को मारो। मैं तो आंटी के साथ आई हूँ। देखो गाइस आंटी अब अपने आप यूट्यूब में देखेंगे। चल चल आएगा नहीं मेरा कोई सच्ची सच्ची। गाइस तो मैंने इसमें बनाना डाल दिए, अब इसमें डालने को रह गया है ओरियो। इतना दूध बच गया है जो कि मैं दूध नहीं पीती और दीदी नहीं पीती। चपाती के साथ सूप कौन पीता है? मैं। ये गाइस यहाँ से सीखो खाना खाना, खाना खाना भी नहीं, इतना उल्टा खाना खाना नहीं है बिल्कुल भी टेस्ट। मैंने पहले टेस्ट करेगी नहीं, माँ का समझ टेस्ट ही नहीं हुआ ना। ले 1000 रुपया दूंगी। क्यों? पर तू माँ कसम करके बोला, इस बार झूठ नहीं बोलूंगी। झूठ नहीं बोलूंगी माँ कसम। कैसी नहीं अदरा टेस्टी? टेस्टी नहीं ठीक है। तब तू क्या बोली नहीं खाने लायक? ठीक है गाइस चपाती बची हो नाले लाने 10 रुपए की सूप। फिर ऐसे ऐसे घोटना तो गाइस ये मैंने पटक पटक के फीला कर दिया है, पीला मतलब पतला बना लिया। मैं इसको खोलूंगी और इसमें डालूंगी। सो गाइस ओरियो शेक तैयार। इतना ज्यादा ओरियो शेक को भी अकेले मैं ही पीऊंगी, दो बहने ना एक फटी वाला ओरियो, सोचो मैं कितना ज्यादा खाती हूँ सोचो। गाइस हमारा डिनर का टाइम हो गया है, हम रेडी है अभी। अभी यहाँ देखो तैयार है अभी वीडियो बनाने के लिए, और मैं जा रही हूँ डिनर के लिए क्योंकि उन्होंने जाना नहीं। फालतू में माथा मारती रहूंगी ना दीदी के साथ। आज तो निबोश आया हुआ यार, बता दो। सच यार गाइस आज तो निबोश आया हुआ है यार, देखो इसे मिलाना ही भूल गई मैं। गुड मॉर्निंग गाइस। निबोश देखो कैसा हो गया कमजोर गाइस। अभी अभी फोन से ही पा ऐसे ना दिखा, बढ़िया से जाऊंगा बाहर से बढ़िया जी। और वीडियो बनानी कोई बात नहीं ले। अब ऐसे लगता है ना तू, ऐसे लगता है निबोश आया। देखो क्या अपने कपड़े दिए सर ने। अरे मुड़ो तो चुप अपने वैसे मेरे बनाए दीदी ने वैसे ही। देखो कभी देखते हैं ऐसे लोग ना जिनको फिर सिया दिया मेरे एक घर वीडियो कॉल जा रही है। घर वालों का ना घर वाले गालियां दे मेरे को, तो परेशान हो गई इरिटेट हो गई वीडियो कॉल में का। नेटी ऑफ कर ले, घर वालों ने इतनी कॉल कर दी वीडियो कॉल दीदी ने। आज ये देखिए दीदी ने हाथ गाइस यहां देखो, अगर किसी ने मुझे देखा होगा तो आप लोग देख सकते हो मैं कितनी पतली हो चुकी हूं। ये ना मेरे पास ऐसे दिखी है चिपकी हुई पता है ऐसे तो मेरा पेट। अब उन खुले सूटों का क्या करें यार, शिट मॉम इज जिंदाबाद। घर वालों ने डाटा ऑफ कर लिया गाइस, अभी तक इतनी भी इरिटेट कर लिया था दीदी ने घर वालों को। नहीं गाइस वो पूछ रहे थे ना मम्मी पापा क्या क्या पूछ रहे थे, क्या करेगी तू, गवर्नमेंट जॉब क्यों नहीं करती, काम फंस हुई है, क्या कर रही है दादू। पापा जी नहीं बोलते ऐसा ना, पापा को पता गाइस ही नहीं सर। सुनो तो गाइस मैंने वाला स्टैंड ना, मैं बोला दादू ऐसा काम कर रही हो ना रातों रात हम करोड़पति बनेंगे रातों रात, जबकि सच्चाई क्या है दादू क्या बोल रहे थे पता है? दादू बोल रहे थे जो छोटू हुए साली मानी जय मारी हो साली। ऐसे बोलते दादी बचपन से पागल है दीदी ना, हम पागल ही है। देखो ये पागल वाला रूप, ये फालतू में हंस रहेगा दीदी। हम खाना खाते हैं गाइस, मेरे चाचा निबोश आपको पता है मेरे दादू क्या क्या बोलते हैं। गाइस जी निबोश यहाँ पे जिंदगी गुजार चुका है अपनी। ओ निबोश गाइस यार यहाँ देखो मैं मीटिंग कर रही हूँ, निबोश याद आई मेरा काम भी नहीं। निबोश आता आज खाना खाने ऐसा नहीं, क्या बंदा है यार। गाइस निबोश देखो क्या है पहना, जो हमारे अंदर से मोटिवेशन होता है वो हमारे अंदर से बाहर
मोटिवेशन अंदर से बाहर जानी चाहिए। फोड़े देखो फोड़े गाइस। चलो उठो एक रोटी खाते हुए। रुकिए इधर मेरे फेस पे थोड़े थोड़े फोड़े। मुझे बचपन में फोड़े दिए जब जवानी का गस्सा लग रहा है। गाइस ये हमारा खाना है। ये आंटी ने वहां को फूल के दिए, ये वहां को डाल दिए। गाइस यहाँ देखो चावल दे रहा है नींबू शमाली। और गुल्ली देखो क्या चावल बना। ठीक जो है बनाए। चावल कैसे बनाए? ठीक जो है बनाए। कैसे बनाए? पानी ज्यादा डाला। ठीले। यहाँ देखो गाइस कैसे चावल बनाए गुल्ली। ठीक है बनाए। तेरी इसको तो नुस्खे निकालने होंगे। सच्चाई बोलते रचना जी आप ही देख लो। माना क्या होटल वाले हो? ठीक है आप यही सब सीख रहे हो, लेकिन आपको क्या जरूरत है हमारे खाने में ये नुस्खे निकालने के लिए? जहाँ तो खुद अंदर बना तो खुद अच्छा होना चाहिए। यहाँ जो बनाया देखो खाने अच्छा नहीं बना भाई। क्या क्या भाई था भाई चावल बस बस मेरे को ध्यान देने वाले। गाइस मैं सिखाऊंगी आपको चावल कैसे बनाते। वो ना अच्छे बने देख लो आप गौर से। थोड़े फीले बने मत देखो मत देखो। दाल पता लग रहा है चावल कैसे चिपक रहे इसमें। और निकाल यार बेइज्जती न कर ऐसी लगाई थोड़ी सी अक्कल। इसमें क्या है फिले तो है बनाए तो क्या होगा। इस यहाँ कच्चे चावल भी खाते लोग जैसे कि मैं नहीं खाए कांडे में कच्चे चावल। गुंडूर गाइज नहीं गुंडूर बोलते किसको बोल क्या करने वाला था भी? बोल बोल दाल के नीचे नीचे दाल नीचे ऊपर चावल है सुनो क्या नीचे दाल ऊपर चावल आज करने वाला था पर मुझे याद मैं नीरज नहीं हूँ। नीरज नहीं हूँ। नीरज देखेगा ये ब्लॉग तो सोचेगा क्या यार। देखो एक बंदा है ना एक नंबर का उल्लू है ये भगवान का सबसे। कभी ब्रीफ में बताएंगे जल्दी बताने वाले हम बहुत जल्दी पता जब भी लगा तो ऑफकोर्स आप लोगों को तो मैं कंफर्म में बताऊंगी क्योंकि मैं चाहती हूँ लोग अवेयर हो इस चीज के बारे में। कंटिन्यू कॉल्स आते 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 रहते हैं और कुछ काम नहीं है इस इंसान को। खुद तो काम करता नहीं है मेरा काम भी रोक के रखता है। मैं टीम को कॉल करूँ लोगों को कॉल करूँ किससे बात करूँ ये कंटिन्यू कॉलिंग करे जा रहा करे जा रहा करे जा रहा। अब अपना फोन एक बंद करूँगी दूसरा सिम लिया दूसरी सिम पे भी कर सीधा फिर तीसरी सिम भी मम्मी पापा भाई बहन किसी को नहीं छोड़ता। नंबर कहाँ है गधा है वो। चलो कोई नहीं थोड़े टाइम की बात गधा है वो कहते ऊपर वाला चैलेंज भी उसको देता है जो कैपेबल हो उसको फेस करने के लिए। गाइस यहाँ दिखा रोटी यहाँ दिखा दीदी ने क्या हाल कर दीदी ने निभोज को पढ़ने लगा लिया है वही बुक पर जा ही नहीं रहा है निभोज पर जा निभोज पर जाके पढ़ ठंड बहुत हो गई है यहाँ क्या मच्छर है यार मच्छर होते गर्मियों में बहुत। ऊपर से मेरी बाल दीदी ने बनाए गाइस मैं ना सो रही हूँ। ये दो तकिए मेरे हैं पड़े रख इनको साइड में चुट्टी काटने वाले भूत से बच के रहना तू है वो ये ना बहुत ही इरिटेट करता है गोली मार दूंगी अबे अबे साले अबे साले गोली मार दूंगी। क्या पढ़ रहा है गुली ये वाली राजा चल पड़ेगी ना पर क्यों जाते पर जाक पड़े ओए गुली वाली राजा चल पड़ेगी हम दोनों मेरे को दो ये वाली राजा ही यार नहीं बोस होएगा इसमें ये जो दूसरी राजा है और कम पड़ो की कम ये देखो आले देखो को लग ये जे मेरे को जे पतली राजा गर्मी लगती है ओए मेरे को मार रहा है निबोस्तु है फ्रॉम जंजुआनी जंजुआनी नॉट अ जंजुआनी लड़कियों के कपड़े गोजियान इंडिया के मैप में भी नहीं देखो तो क्या हुआ गाइस मेरे यूट्यूब पे रुक जाए ये है हिमाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। शिमला की एक तहसील है चढ़गांव। चढ़गांव के अंदर गांव माइला
ये पूरी तहसील का एक ऐसा गांव है जहाँ रोड नहीं है आज तक। गाइस रोड है हमारे गांव में, गवर्नमेंट ने सैंक्शन नहीं किया आज तक इस गांव में। क्या करना, हमने गांव का रोड देख रहे आप ये पूरे हम प्राइवेट ही करते सब कुछ दम रखते हैं बंदे। नहीं, नहीं जब रोड ही नहीं है ये वो गांव जहाँ रोड नहीं है। दिखाता हूँ ये महिला दिख रहा है यहाँ रोड नहीं है। गाइस महिला देखना में हम रोड में गए थे गाड़ी चला के गाइस तभी तो इतने स्ट्रॉन्ग है ऐसे ऐसे को तो मैं चक के सीधा ही ऊपर जान जाने तो कुछ यार ऐसे ना बोलो जी आवाज ही दीदी ने बोली मैं को क्यों आ रहा है दीदी को मार मेरे को तो मार गाइस स्ट्रॉन्ग गर्ल नहीं हो स्ट्रॉन्ग भी मार है पाप ये दे दो बाल रखे टाइम के पता भी तक मारा ना कुछ प्लीज इसको मैं कल जिम ले जाती हूं। क्यों मैं क्या पहनूंगी आज मैंने जिम के क्या है क्या गच्ची बजा क्या है गच्ची वजह से नहीं पहनती मैं किसी और चीज की वजह से पहनती हूं। ठीक है बाबे ऑन वंट बाबा जी शांति बाबा शांति रखी जाने की दर दो बाबे गाइस मैं बाहर से शांत हूं लेकिन मैं अंदर से बहुत ज्यादा शांत बेका कुछ नहीं फर्क पड़ता गुल्ली को यहां देखिए शांत है ये बहुत फायदा उठाते गाइस ये बहुत शांति का शांत है गुल्ली शांत है गुल्ली गुल्ली शांत है गुल्ली शांत है पागल हो रही है इस ब्लॉग को यही पे एंड करना चाहती हूँ क्योंकि मैं इसको मारना चाहती हूँ मैं आपको पता दो दिन से बारिश हो रही थी अब आप वेदर चेकआउट करो यार देख रहे हैं तारे नहीं है आसमान में मौसम मतलब खराब है रोड है ऊपर को और ये भराड़ी है और ये गुल्ली भूत है यहाँ देखो नीचे बिचकुट्टी अगर कोई गिर गया यहाँ से नीचे तो ये है गुल्ली गुल्ली शक्ल दिखा दो और ये है सरिता ये है रचना जी बिफोर और आफ्टर बिफोर और आफ्टर देख रहे आप ये आफ्टर मैं दिखाता हूँ करते हैं आज के ब्लॉग को एंड मिलते हैं कल नए ब्लॉग में तब तक के लिए गुड नाइट गाइस वो जा रहा है कल झंझवानी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल को गुल्ली ब्लॉग्स को कमेंट करना और शेयर करना ना भूले कमेंट करना पता क्यों करना कमेंट मैं भी देखूंगी आपके दिमाग में क्या चलता है मेरी हर कमेंट किया करो है ना अपनी मर्जी है।